पहले मेलों में इस तरह के खिलौने मिला करते थे, क्योंकि आजकल मेले तो एकदम गायब से ही हो गए, तो हम घर पे ही ये मेले वाला खिलौना कैसे बना सकते हैं ये देखेंगे और इसके पीछे की साइंस की चर्चा भी करेंगे। तो चलिए फटाफट से इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें दो स्ट्रो चाहिए, एक बड़ा और एक छोटा। छोटे वाले स्ट्रो को बीच में से फोल्ड करेंगे और बीच में से फोल्ड करके हम दो तिरछे कट इसके कोने पे लगाएंगे, एक इधर और एक इधर। अब इसको जब खोल कर देखेंगे तो हमें बीच में एक काजू कतली की शेप मिलती है। जब इस काजू कतली की शेप को आप अगर ऊपर से देख रहे हैं तो हमें इसको इस तरीके से दबाना है, ना कि इस तरीके से। अक्सर गलती इसी स्टेप पे होती है, तो अगर आपका स्पिनर नहीं चल रहा हो तो आप ये ध्यान दें कि आपने इसको किस तरीके से दबाया है। अब इस स्ट्रोक के दोनों सिरों पे टेप लगा देते हैं। ऐसे दबाया और इधर टेप लगा दी और दूसरी तरफ भी ऐसे टेप लगा दी। और अब हमें स्ट्रोक के दोनों तरफ कट लगाने हैं, तो अगर एक कट इधर ऊपर की तरफ लगा रहे हैं तो दूसरा कट दूसरी साइड नीचे की तरफ लगाएंगे, यानी आपको डायमेट्रिकली अपोजिट कट लगाने हैं। तो हमारा ये पंखा तो बनके तैयार है। अब हमें दूसरे वाले स्ट्रो पे एक स्लॉट बनाएंगे जिसमें ये पंखा आसानी से घूम सके। स्लॉट बनाने के लिए हम बड़े वाले स्ट्रो को ऐसे दबाकर एक सीधा कट यहाँ लगाएंगे, फिर घुमाकर एक यहाँ सीधा जाएंगे और फिर इधर से कट कर देंगे और हमारा ये स्लॉट बन गया। अब ऑलमोस्ट हमारा स्पिनर बनके तैयार है। बस अब इस पंखे को हम इस स्लॉट में डाल देंगे। ये लो, डाल दिया। अब जोर से फूंक मारेंगे, नहीं घुमा, अंगुली रख के फिर फूंक मारेंगे। और ये जोर से घूमने लगा। चलिए अब इसके पीछे की साइंस को देखते हैं। तो जब हमने फूंक मारी तो हवा स्पीड स्ट्रो से गई, क्योंकि हमने इसको आगे से बंद करके रखा हुआ है, तो हवा जो ये पंखा है हमारा इसकी दोनों डायरेक्शंस में गई, इधर भी और उधर भी। पहले हमने इस पंखे में दो छेद किए थे, एक छेद ऊपर की तरफ था, एक छेद नीचे की तरफ। तो हवा जब आती है तो इन दोनों छेदों से बाहर निकलती है। तो हवा जब इस ऊपर वाले छेद से ऊपर की तरफ निकलती है तो वो एक फोर्स लगाती है इसमें नीचे की तरफ, और जब हवा इधर से बाहर निकलती है तो वो इसमें ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है, और ये दोनों फोर्स इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पंखा ऐसे घूम जाता है। ये वैसा ही है जब हम किसी बोतल को खोलते हैं तो भी हम सेम यही चीज करते हैं कि हम इसको पकड़ के ये अंगुलियां इस तरफ एक फोर्स लगा रही है और अंगूठा इस तरफ एक फोर्स लगा रहा है, तो ये घूमता एक ही डायरेक्शन में और ये बोतल का ढक्कन खुल जाता है। लेकिन इसमें एक सवाल ये उठता है कि जब हम इस पीले स्ट्रो में फूंक मार रहे हैं तो इसको आगे से तो हमने बंद करके रखा हुआ है, लेकिन पीछे एक बड़ा सा स्लॉट है, यहाँ से हवा बाहर क्यों नहीं निकल रही। वो इसलिए क्योंकि जब हम फूंक मार रहे हैं तो यहाँ हवा की स्पीड तेज हो गई और बर्नौली प्रिंसिपल की वजह से यहाँ प्रेशर कम हो गया। तो यहाँ प्रेशर कम है, बाहर ज्यादा प्रेशर है, तो ये बाहर की हवा को भी अपनी तरफ खींच लेता है। यानी यहाँ की हवा बाहर नहीं जाती बल्कि इसका उल्टा, बाहर की एक्स्ट्रा हवा इसके अंदर चली जाती है। और ऐसा ही गैस स्टोव में भी होता है। गैस स्टोव को आप उठा के देखेंगे, बर्नर से जस्ट पहले नली में एक छेद होता है, तो वहां पे भी यही प्रोसेस काम करता है। तो वहां पे भी हम ये सोचते हैं कि गैस बाहर क्यों नहीं फैल रही, तो वहां पे भी ऐसा ही होता है कि बाहर की एक्स्ट्रा हवा उस गैस के साथ मिल जाती है, फिर हमारी एलपीजी जो गैस है वो अच्छे से जल पाती है। ये स्पिनर भी न्यूटन के तीसरे सिद्धांत पे ही काम कर रहा है, यानी जब हवा इधर से बाहर निकल रही है तो उसकी उलट दिशा में स्ट्रो पे एक फोर्स लगाती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमने जब ये स्पिनर बनाया था तो इस पंखे पे हमने डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में दो कट लगाए थे, यानी जब एक कट ऊपर लगाया था तो दूसरा कट नीचे की तरफ लगाया था। अगर हम दोनों कट एक ही दिशा में लगा दें तो क्या हमारा स्पिनर काम करेगा? तो चलिए देखते हैं। इस वाले स्पिनर में, ये हमारा पहले वाला था, ये हमने दूसरा स्पिनर बनाया, इसमें हमने क्या किया, पंखे पे दोनों कट एक ही दिशा में लगाए, ये ऊपर की तरफ ही दोनों कट्स लगाए, इधर भी ऊपर है और इधर भी ऊपर है। अब इसको घुमाते हैं तो क्या घूमेगा, चलिए देखते हैं। तो स्पिनर नहीं घूम पा रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हवा इधर से ऊपर वाले छेद से बाहर निकलती है तो धक्का नीचे की तरफ लगता है। ऐसा ही इस तरफ भी है, हवा इधर से बाहर निकल रही है, धक्का इधर लग रहा है। तो दोनों जो धक्के लग रहे हैं, दोनों जो फोर्स लग रहे हैं, वो इस पंखे को अलग अलग डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर वाला धक्का इसको इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, इधर वाला धक्का इसको इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो स्पिनर एक जगह झूलता रहता है, घूम नहीं पाता। तो आप जब अपने घर पे बनाकर देखें तो इन दोनों वेरिएशन के अलावा आप ये करके देखें कि जब एक ही छेद करेंगे तब ये स्पिनर घूमता है कि नहीं। हमने पहले एक जो स्पिनर बनाया था और आज जो स्पिनर बनाया है, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो एक नया हाइब्रिड स्पिनर बन जाता है। तो चलिए इनको घुमा के देखते हैं।
हम्म.